पैसे बढ़ेंगे और सरकार के खजाने में पैसे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई। राहुल गांधी ने रायगढ़ में जाति जनगणना को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई है। रेंगार बाली चेक पोस्ट में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को झंडा थमाया। रायगढ़ में अपने भाषण में राहुल गांधी ने फिर से जातीय जनगणना की बात को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े वर्ग का डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। तो जब हमने ये यात्रा खत्म की, बहुत सारे लोग आए, ओडिशा से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए, उन्होंने कहा देखिए आपने साउथ से नॉर्थ कर दिया, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, ओडिशा का क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हुए, बात एक्सेप्ट की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सीएम साई ने कहा कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पहले भी न्याय यात्रा कर चुके हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं, अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। रायगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा और सभा से पहले विवाद शुरू हो गया। पूर्व विधायक प्रकाश नायक को सभा स्थल में जाने से पुलिस कर्मियों ने रोका तो पूर्व विधायक प्रकाश नायक धरने पर बैठ गए। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर में बने स्काई वॉक का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। अब जबकि ईओडब्ल्यू ने इसमें भ्रष्टाचार नहीं माना तो विधानसभा में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूलत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कानूनी कार्रवाई की बात कही। शिकायत की गई कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदित करके भेजा। उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नवंबर के अंदर उस शिकायत के ऊपर ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट कहा है इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पैदल पथ यानी कि स्काई वॉक, इसे लेकर के लगातार 5 साल राजनीति होती रही। यही वो स्काई वॉक है। 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई, उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 3-3 कमेटियां बनाई गई, जांच के आदेश भी दिए गए और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू ने पूरी जो फाइल है वो नस्तीबद्ध कर दी है। इस मुद्दे को लेकर के अभी भी सदन में जो मामला विधानसभा में जमकर गूंजा और जमकर इस पर बवाल भी मचा। आखिरकार स्काई वॉक की फाइल को नस्ती कर दिया गया है और इसे भ्रष्टाचार से मुक्त पाया गया है। तो अब आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, जब भ्रष्टाचार था ही नहीं तो इसकी शिकायत क्यों की गई, ईओडब्ल्यू के जांच के आदेश क्यों दिए गए। अब बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना ही पड़ेगा। बीती 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अंबिकापुर में कांग्रेस पार्षद पति और पुत्र की गुंडागर्दी और मारपीट का मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्षद पति बालेश्वर तिर्की की मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद पति बालेश्वर तिर्की महतारी बंधन फॉर्म भरने से रोक रहा था।
विरोध करने पर फॉर्म भर रहे लोगों से गुंडागर्दी करने लगा और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से जमकर उसकी पिटाई कर दी। वहीं कुल्हाड़ी और तलवार से मारने की धमकी भी दी। मारपीट करने पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आक्रोशित हो गई और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरे से पूछने आए कि दीदी जी यहाँ पे कैसे कैसे फार्म भरना है और क्या क्या चीज़ लग रहा है। हम बता रहे थे उसको, उसी बीच वो आकर के हम लोग से बहसबाजी कर रहा है। बहसबाजी करते करते उसी बीच यानी कि बड़े अधिकारी आए, वो हम लोग से पूछ रहे थे तो वो उनके साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा है और हमसे ही बदतमीजी से बात कर रहा है। तो मैं बोली भी कि सर देखिए कि अभी आपके सामने बदतमीजी कर रहा है, आपके जाते साथ फिर यही चालू हो जाएगा। उनके समझाने के बावजूद बालकेश्वर तिर्की नहीं माना और ये वहाँ कुछ कर नहीं रही थी। ये जो शासन की योजना है, इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये काम कर रही थी और उसमें इनका हाथ इस कदर सूझ गया है कि महिला हाथ नहीं उठा सकती। ये मामला इसमें ये है कि मातारी वंदना योजना के इसमें जो फॉर्म भरने के लिए प्रार्थी लोग गए थे तो वहाँ पे पार्षद के पति बालेश्वर तिर्की और उसके बेटा सुशांत तिर्की के साथ इनके साथ आपस में मारपीट हुआ है। कुछ वाद विवाद बढ़ के उसमें मारपीट हुआ है तो इसमें तुरंत हमने FIR दर्ज कर लिया है और इसमें भी जांच जारी है। खबर महासमुंद से है जहाँ छेड़छाड़ का विरोध देखने को मिला और बागबाहरा कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे, पैदल मार्च कर SDM और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इन छात्राओं ने ट्रक ड्राइवर्स पर अश्लील कमेंट और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल कॉलेज के सामने ट्रक का जमावड़ा रहता है जिस कारण छात्राओं से छेड़छाड़ और सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। इस मामले को लेकर आक्रोश फूटा छात्राओं का और उन्होंने कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। CGPSC भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर UW ने FIR दर्ज की है। UW द्वारा PSC भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वो जो भी दंश झेलना पड़ा है वो तो आप मीडिया लोगों को बहुत भली बात ही पता है कि आपने देखा है कि बच्चे कितना रोड पे उतर के आंदोलन किए हैं, आवाज़ उठाए हैं। तो पिछली सरकार में तो कुछ हुआ नहीं था पर ये वाली सरकार में CBI जांच की मांग थी, इसलिए छत्तीसगढ़ के लगभग सारे युवा जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभागी होते हैं उनके द्वारा खुफिया सरकार को पलटा गया। कवर्धा में नक्सल समस्या एक साल में पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का आखिरी जिला है और इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। दोनों राज्यों की सीमा में ही नक्सल पनप रहा है जिसे घातक होने से पहले ही दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी और इससे लोगों में भी सुरक्षा का भाव आएगा। आसपास के गांव में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि सुरक्षा बलों को भी कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके। सुरक्षा बल सभी चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैनात है और आने वाले समय में इंटेलिजेंस ऑपरेशन और ज्वाइंट ऑपरेशन MP के साथ मिलकर बालाघाट मंडला जिले के साथ किया जाएगा और उम्मीद है कि 20-22 नक्सली जो इस पूरे एरिया में बचे हुए हैं उनको अगले एक वर्षों में पूरी तरह से खत्म करने की कार्यनीति बनाई जा रही है। भगवान राम लला के ननिहाल से निकले राम भक्त भगवान राम के नगरी अयोध्या पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 1500 लोगों का जत्था रामनगरी पहुंचा जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। रेलवे के अधिकारियों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने राम भक्तों का स्वागत किया। राम भक्तों को रामनगरी में भव्य स्वागत किया गया, उनका तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आस्था एक्सप्रेस से राम भक्त पूरे देश से अयोध्या धाम को पहुंच रहे हैं और यह हम सबका परम सौभाग्य है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम पूरे देश से जो हमारे राम भक्त आ रहे हैं उनके दर्शन पूजन कर पा रहे हैं और वो अपने प्रभु श्री राम लला के दर्शन पूजन को आ रहे हैं तो निश्चित ही हम सभी का परम सौभाग्य है। आस्था स्पेशल ट्रेन अब अयोध्या पहुंची है और यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पहुंची ट्रेन जहां पर राम भक्तों का भव्य स्वागत हो रहा है। बाकायदा पुष्प वर्षा करते हुए यहां पर टीका करके और जो भी राम भक्त आए हैं उनका यहां स्वागत किया जा रहा है और यहां से अब इनको रुकने वाले गंतव्य पर जहां पर इनको रुकना है वहां ले जाया जाएगा। फिलहाल जो लोग पहुंचे हैं उनसे पूछते हैं कहां से आई हैं आप? छत्तीसगढ़ बालोद। कैसी तैयारियां हैं ट्रेन में, कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बता नहीं सकते हम लोग। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग से। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हुआ, लग रहा है कि हम अयोध्या और इतनी सुरक्षा से आए हैं कि बहुत ही अच्छा। जय श्री राम। यहाँ जो स्वागत वागत हुआ इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाई साहब, हम लोग छत्तीसगढ़ में आए हैं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया सफर, तो सारी व्यवस्थाएं थी मोदी और योगी जी की सरकार में, बहुत अच्छा राम मंदिर का बना, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हम बहुत। मोदी जी जिंदाबाद। कैसा रहा सफर आपका? बहुत बढ़िया, आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग वीआईपी हैं, वीआईपी में ज्यादा हमको ट्रीट। कैसा रहा सफर? बहुत शानदार सफर रहा, बहुत ज्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकते।